दोस्तों इंस्टाग्राम चैट सेक्शन में अगर आपके सामने भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे हम लोग मैसेंजर में आते हैं और इसे अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है, नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अगर आपके साथ कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी को मैसेजेस नहीं भेज पा रहे हो, या फिर कोई आपको मैसेजेस भेज रहा है तो वो आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप बेहद आसानी से फिक्स कर सकते हो। अगर ये प्रॉब्लम आप में आ भी रही है तो किस कारण से आ रही है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो यार भाई वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, एक भी स्टेप्स आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया ना तो ये प्रॉब्लम आपसे फिक्स नहीं हो पाएगी। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपना ये अकाउंट लॉग आउट कर देना है कुछ इस तरीके से, और इसके बाद आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप पर हल्का सा प्रेस करके रखोगे, ऐप इन्फो में चले जाना है, और यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आपको स्टोरेज का मिलेगा, इस पर क्लिक करना, और इसके बाद क्लियर कैसे कर देना, बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको कैसे क्लियर करना है, और इसके बाद अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट करना है। प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हो, ऐप स्टोर से जाकर अपडेट कर सकते हो, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट करना है। यहाँ पर देख सकते हो कि अप टू डेट है, और अपडेट होने के बाद आप चाहो तो इसका बेटा वर्जन भी ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद आपको दोबारा से ओपन कर इसे चेक करना है कि भाई यह प्रॉब्लम फिक्स हुई या फिर ना हुई। यहाँ पर देख सकते हो कि यह प्रॉब्लम अभी भी फिक्स नहीं हुई है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है, 90% लोगों की प्रॉब्लम इसी तरीके से फिक्स हो जा रही है, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ये फिक्स नहीं हुई तो इसका मतलब यही है कि भाई आपका अकाउंट इंस्टाग्राम ग्लिच में फंस गया है, जिसकी वजह से आप में यह प्रॉब्लम आ रही है। ग्लिच में फंस गया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट हाफ एन आवर एंड 2 आवर्स तक का टाइम लग जाएगा, उसके बाद यह प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी।